हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड यू आर वाचिंग चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद वन न्यू टॉपिक। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझे थे, एटमोस्फियर, बायोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर के बारे में। उनको डिटेल में हमने स्टडी किया और आज हम बात करने वाले हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि वो जितने भी हमारे स्फीयर्स थे उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और वो रिलेशन से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी उसके बारे में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर फोर मेजर एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स। आपको पता ही है एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। जो आपने बाकी के जो स्फीयर्स देखे थे वो सब एटमोस्फियर के कंपोनेंट्स थे, राइट? एक्सोस्फियर जो भी थे दूसरे, जैसे कि ये टेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेजोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, है ना, वो सब एटमोस्फियर के पार्ट थे। फिर आता था हमारा हाइड्रोस्फियर, देन लिथोस्फियर और लास्ट में बायोस्फियर के बारे में समझे। तो यहाँ पे अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप इज शो इन द फिगर। जो आपने आगे फिगर देखी उसमें उनके रिलेशन के बारे में समझाया। मैं आपको अगेन वो फिगर दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंट द स्फीयर एंड द कर्व एरोज इंडिकेट द फ्लो पाथ ऑफ मैटर। सर्कल जो भी हमने दिखे थे वो सब स्फीयर दिखा रहे हैं और जो भी एरो अंदर दिखाए हुए वो उसका पाथ दिखा रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन से कि कौन से स्फीयर से इसमें स्फीयर में इफेक्ट आ रही है वो। देयर इज अ क्लोज डायनेमिक इनसेपरेटेबल ऑर्गेनिक कपलिंग और इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट और लिंकेज इज चेंज ऑल अदर कंपोनेंट रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट में चेंजेस आएगी तो बाकी हर एक कंपोनेंट्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगी और पर्टिकुलर एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होगी, ठीक है। इस फिगर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा सर्कल है वो स्फीयर इंडिकेट कर रहा है और ये जो एरो यहां से दिख रहे हैं आपको हर एक जगह पे वो उसका पाथ में और मैटर का पाथ इंडिकेट कर रही है, क्लियर? So the atmosphere may be considered as a transport component that moves the substances from atmospheric sources to the receptor. मतलब जो भी एटमोस्फियर के अंदर हमको पता है गैसेस वगैरह हम काउंट करते हैं एटमोस्फियर के अंदर, तो वो क्या करते हैं एटमोस्फियर जो है वो गैसेस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती है रिसेप्टर तक। मतलब जो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। देन हाइड्रोस्फीयर डिवाइड इन टू सिस्टम, वन इज फ्रेश वाटर एंड अनदर इज मरीन वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब आपको पता है पानी रिलेटेड टर्म्स, जो भी पानी रिलेटेड टर्म्स है उसमें आ गया अपना फ्रेश वाटर और दूसरा मरीन वाटर, वो सब इसके अंदर काउंट होता है। देन लिथोस्फीयर इज द सॉलिड शेल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मतलब जमीन रिलेटेड सब चीज, रॉक आ गई, सॉइल आ गई, इनऑर्गेनिक जितने भी मैटर थे वो सब लिथोस्फीयर के अंदर काउंट होगा। Then the biosphere is the thin shell of organic matter on the earth surface composing of all the living organisms. मतलब biosphere के अंदर जितने भी living organisms हैं हमारे, जितने भी organic matters हैं वो सब biosphere के अंदर count हो गए, ठीक है। Insects, humans, animals, trees, plants, etc. ये सब हमारा biosphere के अंदर count होता है। Now मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, ये हम लोग मानते हैं थियरी के बेसिस के ऊपर कि 10 मिलियन साल हो गए ह्यूमंस के इवोल्यूशन में, आज से लेके 10 मिलियन साल हो गए तब से इंसान बनना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब पहले आदि मानव के रूप में आपने देखे थे, फिर ये होमो सेपियंस आए, उसके बाद अभी आप लोग जो क्रिएचर्स देख रहे हो जिसको हम ह्यूमंस कहते हैं, ये सब पूरा 10 मिलियन साल का रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ उनका।
पहले के टाइम में तो हम जो मनुष्य थे या फिर ह्यूमंस थे, वो लोग कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते थे, दे आर बिहेव लाइक एनिमल्स टोटली। धीरे धीरे उनमें थोड़ी बहुत सेंस आना स्टार्ट हुई, टेक्निकल नॉलेज आना स्टार्ट हुई, एनवायरमेंटल रिलेटेड नॉलेज आना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे उनका बिहेवियर, स्वभाव, वो सब चेंज होने लगा और वो लोग ने कुछ चीजें एनवायरमेंट में से एडोप्ट की। उसके बाद काफी सारे रिवोल्यूशंस आए ह्यूमंस के अंदर, देन इंडस्ट्रियल ह्यूमंस रिवोल्यूशन आया, और अभी जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 मिलियन साल पुराना रिलेशन विथ एनवायरमेंट। तो फर्स्ट टेक अ लुक फॉर द वर्ड्स गिवन ऑन योर स्क्रीन। द टू वर्ड्स मैन एंड एनवायरमेंट आर नॉट न्यू टू द ह्यूमन हिस्ट्री एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम इज वेल एस्टाब्लिश्ड। थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट इज एन ओल्ड एज अवर फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर। पहला जो बंदा था, जो पहले पृथ्वी लोक पे आया यहाँ पे, उसको भी एनवायरमेंट का नॉलेज था उस टाइम के हिसाब से। मतलब हमारा जो एनवायरमेंट के साथ रिलेशन है वो सदियों पुराना है, ऐसा नहीं कि आजकल का। अभी आप जो भी टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी देख रहे हो वो सब आजकल की है, अभी क्या कहते हैं 150 साल के अंदर सब आई है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज सब। और जो एनवायरमेंट था वो पहला जो बंदा यहाँ पे जन्म लिया होगा, तब से लेके अभी तक हम लोग एनवायरमेंट के करीब रह चुके हैं। नाउ देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ इट। कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यू। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल हैव नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इट। क्लियर? वो जो जिंदा रह पाते थे उस टाइम, वो टोटली एनवायरमेंट के नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता था। आप मान लो अभी हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या कहते हैं इरिगेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपना खाना भी पका सकते हैं। बट सदियों पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, एनवायरमेंट में जो भी चीज मिलती थी, फल फूल जो भी मिलता था, वो लोग उसको खा लेते थे। अब आप सोचो, आप कोई भी वनस्पति को उससे डायरेक्टली नहीं खा सकते। आज की तारीख पे भी हमें इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने वो सब चीज पीछे छोड़ दी। और उस टाइम उनके लोगों को नॉलेज था कि यही चीज खानी है, ये नहीं खानी है। आज कोई भी पेड़ पौधा आप खा लो, आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वो लोग को पता था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे हमको सर्वाइव करना है यहाँ पे, है ना, कैसे किसी चीज को प्रिजर्व करना है एनवायरमेंट के अंदर, ये सब नॉलेज उनके पास पहले से ही था। वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज एंड रिवर्स, एनिमल्स एंड द बर्ड्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन द सुपरस्टिशन, बट देयर वॉज अ हिडन मैसेज प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द एनवायरमेंट। हम हर एक धर्म की पुस्तक ले लो आप, उसमें पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं इस पेड़ जो भी पेड़ पौधा है वो बहुत कीमती है। ठीक है, ये रिवर है वो बहुत अच्छी है, ये एनिमल्स है उनको हमें पूजना चाहिए, ये एनिमल्स है हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब हर एक कोई भी धर्म ले लो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जो भी धर्म है यहाँ पे, क्रिश्चियन, हर एक में कहीं ना कहीं ये चीज दिखी है। जैसे क्रिश्चियन में भी लिखा है वो ट्री में से फल मिलता है, उसकी पूरी कथा आपको पता होगी शायद। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम लोग देवी देवता जो है पेड़ पौधों की पूजा करते हुए दिखते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो वो सब चीज में क्या आपको पता होगा कि जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज छिपी हुई है। उसको ग्रहण करने से हमारी बहुत सारी जो शरीर की अशुद्धियां होती है हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान होने के कारण वो लोग ने ऐसी एक स्टोरी बना ली जो आगे जाके हम लोग उसको फॉलो कर पाए। इसके कारण द रिलीजियस रिचुअल्स सर्व एन इम्पोर्टेंट पर्पस, दे मेड पीपल अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट एंड सो इनडायरेक्टली हेल्प प्रिजर्व द नरिश इट। ठीक है, सेम चीज मैंने जो अभी आपको बताई, एनिमल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग गाय को माता कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर, आपको पता है जो गाय भैंस है वो हमें पीने के लिए दूध देती है। डेयरी प्रोडक्ट्स टोटल डिपेंड ऑन मिल्क, राइट? अगर वही नहीं रहेंगे तो हम आगे जाके क्या करेंगे उसका? आप सोचो, अगर गाय या भैंसी नहीं रहेगी तो दूध कहाँ से मिलेगा? दूध नहीं होगा तो आप अभी जो घर में बैठे बैठे मिठाइयाँ खा रहे हो, पेड़े वेंडे खा रहे हो, कहाँ से मिलेंगे आपको, राइट?
तो उसके कारण हमें वो सब चीज को ध्यान रखना है उनका, और उनको हानि नहीं पहुंचानी पहले तो। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज ऑल दोज प्रैक्टिस दैट वुड लर्न टू द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। मैन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट सराउंडिंग एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अदर एनिमल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। मतलब ये जी हमारे आसपास जितनी भी चीज है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसका मेंटेनेंस रखना है, उसको संभाल के यूज करना है। ठीक है, एकमात्र ह्यूमन ही ऐसे है जो ये इसको मॉडिफाई करने में कैपेबल है। ठीक है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी के जितने भी एनिमल्स ले लो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। वो एनवायरमेंट के साथ चेंज होते हैं, जबकि हम लोग एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसे पॉजिटिव मैनर में ही चेंज करना चाहिए। हियर मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट मैन स्टार्टिंग हंटिंग द एनिमल्स एंड कटिंग ट्रीज फॉर हिज बेसिक नीड। ग्रेजुअली विद द टाइम ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स। फॉर दैट ही स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स एंड कटिंग ट्रीज फॉर हिज बेसिक नीड। ग्रेजुअली विद टाइम ही स्टार्टेड कटिंग फॉरेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द ग्रास लैंड और एग्रीकल्चर फील्ड टू इंक्रीज हिज कंफर्ट्स। ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब पहले हम लोग सिर्फ क्या कहते, प्राणी लोग को मार के खाते थे या फिर ट्रीज को कट करके उसमें से कुछ बनाते थे, ये सब करते थे। धीरे धीरे हमारे पास नॉलेज आया, हमने क्या किया, फूड कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। उसके लिए हमने ट्रीज को रिमूव किया और एक समतल जमीन बनाई जिससे हम लोग इजीली वहां पे इरिगेशन स्टार्ट कर सके। फिर हमने इरिगेशन लैंड वहां पे जनरेट की, खाने लायक खाद्य जो प्रोडक्ट पदार्थ है वो हमने वहां पे इरिगेट किए और उसका ग्रहण किया। तो जैसे जैसे ह्यूमंस अपना खुद का कंफर्ट इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे वो लोग एनवायरमेंट को भी हार्म पहुंचाते गए। ठीक है, साथ में विद द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द टोटल सिनेरियो चेंज। क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीज ट्रेमेंडियसली which has started showing effects in the form of discharge of industrial waste and sewages. A major environmental issue arising due to the human activities are global warming, acid rain, ozone depletion and population explosion. तो यहां तक तो ठीक था कि हम लोगों ने एनिमल्स को हार्म पहुंचाया, पेड़ पौधे काट दिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हम एग्रीकल्चर ही करते थे ना काम, तो एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचे ऐसा ही कुछ ना कुछ ट्राई करते थे। बट धीरे धीरे जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए, रबर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे ही मैकेनिकल इंडस्ट्री सब स्टार्ट हुई, वैसे वैसे पूरा जो एनवायरमेंट का सीनरी होता वही चेंज हो गया। क्योंकि ये सब इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जो जहरीले गैसेस होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है, हमारे ओजोन लेयर का डेप्रेडेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, एसिड रेन्स हो सकती है, और साथ साथ में वो तो कम था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना। तो आज हम इस सब इफेक्ट से पीड़ित हो रहे हैं। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, तो इमिशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस इन एटमोस्फियर फ्रॉम फॉसाइल फ्यूल्स, बर्निंग एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी में राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोस्फियर सेवरल डिग्रीज बाय 2050। दिस वुड डिस्क्रप्ट फूड प्रोडक्शन एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल सिटीज एंड ग्रो लैंड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करें और अदर गैसेस जो हार्मफुल उत्पन्न करें, वो सब फॉसाइल फ्यूल्स है जो बर्निंग के कारण कहते हैं ना कि उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो जमीन है उसके कुछ किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है अर्थ का एटमोस्फेयर के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा। कब तक कि 2050 तक। 2050 तक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग फूड भी उसके क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में
क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, तो फूड भी हम अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जो लोअर लाइंग कोस्टल्स है मतलब नीचाण वाले जो एरियाज है वहां पे फ्लड आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सब हानि होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं अभी के टाइम। एन एस्टिमेटेड 36500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ईच ईयर मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, 36500 जितने स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गायब हो रहे हैं ईच ईयर, हर एक साल, ड्यू टू हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके कारण। द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट आर रिलीफ ऑफ लैंड, क्लाइमेट, सॉइल्स, मिनरल डिपोजिट्स एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये जो भी चीज आपको दिखा यहाँ पे रिलीफ लैंड, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल डिपोजिशन, वाटर सप्लाई, वो सब जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो भी कहते हैं ना हम ज्यादा मात्रा में यूज करें सभी चीजों को, जिसके कारण हमें ये उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो पेड़ पौधे और प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें जो गायब हो रहे हैं एवरी ईयर, तो उसका रीजन ये है हम अपना कंफर्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं, बाकी कुछ देख ही नहीं रहे। तो ये तो बात थी हमारी मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशन की। नाउ बात करते हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड व्हाई इट इज हैपन। आगे हमने जो भी चीजें के बारे में डिस्कस किया वो मेन रीजन है पहले तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने का। ठीक है, हम लोग का जो भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, जो हम लोग कंफर्ट जोन में आज रह रहे हैं, वो सब रीजन के कारण हम आज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जैसी सिचुएशन को कैरी कर पा रहे हैं, कर रहे हैं एक्चुअली। तो व्हाट इज इट, ओवर द सेंचुरीज वी इंडियंस हैव वर्शिप नेचर, वी हैव लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर, हाउएवर और लेट वी हैव फॉलोड द वेस्टर्न कंट्रीज पास्ट ऑफ कॉम्प्लीट विद नेचर। द रिजल्ट इज दैट टूडे वी ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस ओवर ऑल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सदियों पहले हम इंडियंस जो नेचर को कहते थे, पूजते थे, राइट, हमारे लिए नेचर ही सब कुछ था, भगवान नेचर ही था, राइट, हम उसी के साथ उसके साथ तालमेल बना के नेचर के अंदर रह रहे थे। बट किसी ना किसी जगह किसी तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्न जो कंट्रीज की कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड है वो सब चीजें अपने अंदर एडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तब से ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ ले जा रही है वो हमें भरपूर मात्रा में सामना करना पड़ रहा है डिग्रेडेशन का। सो एनी ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इंडियन और एनी डेवलपिंग कंट्रीज वुड क्लियरली शो दैट। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो हमको वेस्टर्न कंट्री को एडॉप्ट करने के कारण आगे दिखने को मिल रहे हैं। पहला है सॉइल आर इरोडिंग, फॉरेस्ट रिट्रीट, देन वाटर क्वालिटी इज अनसेटिस्फैक्ट्री। पहला तो हम लेते हैं सॉइल आर इरोडिंग। आप लोग देख रहे हो कि जितना सॉइल इरोडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले जितने भी फॉरेस्ट थे, आज आप लोग जानते हो कि रन प्रदेश जितने भी है वो बहुत ज्यादा विस्तार विस्तार पाम रहे हैं। ठीक है, क्यों, तो जो भी सॉइल है उसका इरोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जहां पे हम लोग लैंड थी, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी आज रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है। फॉरेस्ट आर रिट्रीट, जो पानी फॉरेस्ट है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं अपनी क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए। हम लोग वुडू वगैरह को काट के उससे घर बर बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो जिससे फॉरेस्ट को भी काफी हार्म हो रहा है। साथ ही में बहुत सारी फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट जनरेट कर रही है कि उसका जो भी वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करते हैं पानी के अंदर, तो पूरा पानी जो होता है उसको पॉल्यूटेड कर देती है। और अगर हम लोग उसको सॉलिड वेस्ट है उसको हम कहीं पे डंप करते हैं तो बारिश के पानी के साथ वो जो डंप मटेरियल है उसमें लिक्विफिकेशन के कारण लीचेट जनरेट हो जाता है, और लीचेट क्या करता है ग्राउंड वाटर टेबल को हार्म पहुंचाता है।
इस तरीके से हम पानी को भी उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। दूसरा, अर्बन एयर क्वालिटी इज वर्स्ट, राइट। जो भी पॉल्यूशन हो रहा है आज, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज करने लगे, फैक्ट्रीज ओपन करने लगे, उसके कारण एनवायरमेंट के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत बिगड़ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोटिंग मैटर्स, फोसाइल्स मैटर, ये सब जो भी है, एस है, ये सब इतनी हवा में मौजूद है कि लोगों के हार्म और फेफड़े के ऊपर इफेक्ट कर रही है लोगों को। वाटर स्टेट्स आर लूजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। जो भी नेचुरल वाटर शेड थे वहां उसकी स्टोरेज कैपेसिटी घुमा रहे आज, क्योंकि लैंड एकदम सूखी पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी। गर्मी के कारण इवापोरेट हो जा रहा है पानी, स्टोर नहीं कर पा रहा। रिजर्वायर फिल्ड अप विद द सेडिमेंट्स, हमारे जो भी रिजर्वायर है जहां से हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, वो सब सेडिमेंट्स, मतलब जो भी पार्टिकल्स है छोटे छोटे, डस्ट हो गया, सिल्ट विल्ट हो गई, या फिर जो वेस्ट मटेरियल हम लोग डंप कर रहे हैं पानी के अंदर, उससे फिल अप हो रहे हैं रिजर्वायर, तो उसकी कैपेसिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं ये सब करके। देन वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स आर बीइंग एलिमिनेटेड। वाइल्ड लाइफ हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट पाइल अप एंड स्मोल्डर्स, जो सॉलिड वेस्ट हम लोग डंप कर रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसको हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और डंप करने का। कोस्टल स्पॉनिंग ग्राउंड डिसअपियर, जो कोस्टल स्पॉनिंग ग्राउंड थे वो सब धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राणी एनिमल्स मर रहे हैं, पानी के अंदर फिश मर रही है, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये सब चीज हम आज सामना कर रहे हैं इस सब चीजों का। देन सम ऑफ दिस कंपोनेंट हैव चेंज टू सच एन एक्सटेंट दैट कैन नॉट बी सेट राइट बाय सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द एनवायरमेंट। कंसिक्वेंटली द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर। और ये जो आज हमने नुकसान पहुंचाया है, काफी बार क्या होता है कि हमारी जो एनवायरमेंट सिस्टम है वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के साथ वर्क करती है, मतलब हम जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है वो अपने आप ही उसको हील करने लगती है, पर यहाँ पे अब ये पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर डाल दिए, वेस्ट डाल दिए, कि अब वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट कंडीशन जो है उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर को, तो हमें उसको कुछ रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दस कैन बी डिफाइंड एज द लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटीज ड्यू टू द डैमेज कॉज बाय द बोथ नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरमेंटल एट लोकल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल एडवर्सली अफेक्टिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन। सो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको डिफाइन करना हो तो वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है, लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी ड्यू टू द डैमेज कॉज बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटीज कैसे, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वो सब है नेचुरल है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन है वो हमारा नेचुरल इवेंट है, ठीक है। मैनुअल एक्टिविटीज मतलब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके, या फिर मिल की चिमनी में से जो हम लोग गैस देख रहे हैं वो सब हम जो इम्प्योरिटीज हवा में छोड़ रहे हैं, उसके कारण जो भी इफेक्ट हो रही है हमारे ह्यूमन के ऊपर, वो रीजनल, ग्लोबल और इंटरनेशनल, पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रही है सब, ठीक है, वो सभी चीजों पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट लगा रहा है आज। द टोटल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन अराइज मेनली ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ओवर पॉल्यूशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड वेस्टफुल ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डिग्रेडेशन है वो उसकी मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी कौन कर रहा है, तो जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यूएसए वगैरह, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री में आती है, ठीक है, तो वो सब क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रही है। सॉरी, मैंने डेवलपिंग कंट्री का रॉन्ग एग्जांपल दिया आपको, इंडिया की बात करूं डेवलपिंग कंट्री है, जो यूएसए वगैरह डेवलप कंट्री में आती है, ठीक है। तो हम इंडियंस वगैरह क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, पेड़ वगैरह, ठीक है, काटते हैं उसको, डिफोरेस्टेशन करते हैं, वहां पे हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो ये सब चीजों का ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। और बात करें हम डेवलप कंट्रीज की, वो लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टफुल ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है,
ज्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट कर रहे हो। डेवलपिंग जो भी कंट्रीज है उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे आईपेट इक्वेशन, पॉपुलरली नोन एज इंपैक्ट इक्वेशन, इज प्रेजेंटेड। आईपीएटी इक्वेशन को हमने इंपैक्ट इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट किया है। आई इज इक्वल टू पीएटी एंड व्हाट पीएटी स्टैंड्स फॉर, पी फॉर पॉपुलेशन, एफ फॉर एफ्लुएंस एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टर्म के अंदर, राइट। तो हमें जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप जो भी कंट्री है, हम सबको इस सब चीज को ध्यान में रख के एक नई डिजाइन की जरूरत हो गई है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको मिनिमम कैसे यूज करें कि हमारी आगे जाने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई हार्म ना हो, हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, राइट। तो स्टेप्स है, जो भी आगे की नए पॉइंट्स हैं हम उसको अगले लेक्चर में कनेक्ट करेंगे। हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, अभी 26 मिनट का हो गया। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। आप लोग ना समझ में आए तो फिर से ये पूरा वीडियो देखो और ट्राई करो कि कम से कम एनवायरमेंट को आप हार्म पहुंचा सको, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिमेंबर दिस सेंटेंस, लेट्स गो ग्रीन टू गेट अवर ग्लोब क्लीन। थैंक यू।